हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। 2022 आपके लिए खुशियों भरा हो। और अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्या, और बहुत हो गया। वैसे भी भाई, इतनी देर से मैं वीडियो बनाने की शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये हाथ इतना बोल गया, अब मेरा मन कर रहा है यहीं सो जाऊँ बिछा के। अब सोने से पहले वीडियो तो बना के आपको देते ही जाएं, ताकि आपको कुछ समझ में भी आए। तो कहने का मतलब ये है, आज हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा यार। अब हमारे बस की नहीं है कि हाँ चल फिर के आपसे हम बात कर पाएँ। तो भाई, हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था, बड़ा गजब का कमेंट किया था उन भाई ने पिछली वीडियो पे। उन्होंने ये कहा था कि बेटा पहले पूरी बात जान ले, उसके बाद वीडियो बना। बात कर मेरे को जानता। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि भैया आप ऐसा काम ही क्यों करो जो आपकी बातें लोग जाने। हमारा काम तो है सही राह लोगों को दिखाना। यार आप पहली बात तो किसी लड़की से प्यार करते हो, उसके बाद आप उस पर शक करते हो, उसको बोलते हो कि किसी फ्रेंड से बात मत करो, उससे बात मत करो, उससे मत करो। तो पहले बात तो ये बात बताओ हमको यार दोस्त, कि आपकी ज़िंदगी में आने से पहले वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ थी ना, और अगर जो वो फ्रेंड के साथ थी तो वो फ्रेंड्स को कैसे छोड़ सकती है। भाई लोग, आप भी ये बताओ कि आप क्या अपने फ्रेंड्स को छोड़ सकते हो किसी के लिए। मैं तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिस इंसान ने दोस्ती नहीं निभाई वो प्यार का निभा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया अगर जो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर जो नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। हाँ, तो वीडियो की अगली लाइन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि भैया किसी भी लड़की पे आपका कोई जोर नहीं चलता। हाँ, मानते हैं प्यार है, प्यार पे आपको शक वगैरह, लेकिन इतना भी मत करो कि यार वो प्यार आपसे इतना दूर चला जाए कि आप उसको संभाल भी ना सको, रोक भी ना सको, और आपको बाद में उसके जाने पे इतना पछतावा हो जाए कि आप सोचे कि हाँ यार ये हमने क्या कर दिया, इतनी बड़ी भूल हमने कैसे कर दी। तो ऐसा मत करो यार, प्यार आप करते हो ज़िंदगी में एक बार होता है प्यार। आजकल तो लोगों को मैंने देखा यार फेसबुक पे ना हज़ारों बार प्यार होता है। अगर जो मान लो मैं अपनी बात बोलता हूँ यार, मैं किसी और की नहीं बोल रहा। मान लीजिए कि मैंने आज इस लड़की से प्यार किया, अब वो हमारे दिमाग में नहीं सुन रही, तो हमने इसको छोड़ के किसी और को पकड़ लिया। अब इस चीज़ को लोग क्या कहते हैं, यार अमन तो आज वहाँ लगा हुआ है। आजकल ये जासूसी बड़ी तगड़ी हो रही है। जासूसी पहले क्या होता था, डिटेक्टिव लोग करते थे कि डिटेक्टिव से पता लगवाएंगे कि हाँ सच्चाई क्या है। आजकल लोग डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जगह आपके पड़ोस में सबसे पहले डिटेक्टिव बैठे हैं। तो हम तो ये तो देख के हैरान हो जाते हैं। तो वही हम बता रहे थे भैया कि प्यार करो, पर ऐसा मत करो कि हाँ अपने जो पार्टनर है आपका वो आपसे बिल्कुल पीछा छुड़ाने के लिए हो जाए कि अब हमें इसके साथ नहीं रहना है। क्योंकि अभी कल की सडनली की बात ले लो, एक हमारी फ्रेंड थी, उसने हमारे पास मैसेज किया कि हमको ऐसी ऐसी बात है और भाई हमको अब छोड़ना है, हमको कोई रास्ता बताओ। तो हमने कहा अब हम रास्ता क्या बताएं, जब हमने शुरुआत में तुमको बोला तब तुमको समझ में नहीं आया, अब तुम हमसे पूछ रही हो कि हम रास्ता बताएं। तो भैया ऐसा है यार, जब हम वीडियो बनाने का हमारा यही मतलब रहता है कि भाई प्यार करो, पर प्यार पे शक मत करो। बेवजह का तो शक होना ही नहीं चाहिए। शक होता है इंसान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शक नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन जितना जायज़ है उतना करो। अगर जो आपका पार्टनर वाकई में आपको धोखा दे रहा है तो आपका शक करना जायज़ बनता है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। बट आपका पार्टनर अगर धोखा नहीं दे रहा और आपके साथ हमेशा खड़ा रह रहा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस पर बेवजह नाजायज आप उस पर शक करें, उस पर झूठा आरोप लगाएं। ये बहुत ही बड़ी गलत आदत होती है, बहुत ही बुरी आदत होती है भाई। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई लोगों, कि आजकल ये चीज़ हमने देखा लड़कियाँ इन मामलों में बहुत आगे रहती हैं। अब वो कैसे आगे रहती हैं, कुछ लड़कियां हैं जो बहुत ही बेहतर रहती हैं, जो कि अपने पार्टनर को पूरा पूरा टाइम देती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि अभी मैं हूं उनके लिए परफेक्ट,
कुछ देर बाद मेरा दोस्त, उसके बाद ये वो, मतलब उन्होंने तो लड़कों को भी फेल कर दिया यार। मतलब जैसे कपड़े नहीं चेंज करते ऐसे बॉयफ्रेंड को चेंज करती हैं, और झूठी कसमें खा लेती हैं कि हम बाबू आपके साथ, आपके अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकते। और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद के साथ, वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा वैसा मत सोचिएगा कि हाँ मैंने कोई स्क्रिप्टेड चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि स्क्रिप्टेड अगर जो होता ना कुछ, तो इतना मैं जो अटक के बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हो पाता। स्क्रिप्टेड चीज़ में क्या होता है कि वो आप एक बार रट लेते हैं वही चीज़ आपको बोलना रहता है, पर ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो एक्सपीरियंस है हमारा प्यार के मामले में, वही चीज़ हम आपको दोस्तों बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही गजब की आने वाली है। और दोस्तों अपना सभी लोग, आप लोग प्यार बनाए रखिए हम पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, और नया साल आप सभी के लिए अच्छा रहे ये हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे।